आदित्यनाथ जी को मुझसे इतना डर क्यों लगता है मुझे नहीं मालूम। 17-17 मुकदमे लिख दिए, कल अंबेडकर नगर में हमला कराया, आज आजमगढ़ का परमिशन कैंसिल कर दिया। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता। भारत का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान के मुताबिक ये मुल्क चलेगा, किसी आदित्यनाथ किसी नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। और हमारा संविधान, अभी सुनील यादव जी इंजीनियर है लेकिन मैं इनको कह दूं 6,00,000 करोड़ लिख दो तो लिख नहीं पाए। 0000000 लगाते थक जाओगे। पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं, चाय बेचते बेचते मोदी जी देश बेचने लगे हैं। जनसभा की अनुमति न मिलने पर भड़के संजय सिंह, कहा मोदी योगी के फरमान से नहीं संविधान से चलेगा देश। आप नेता संजय सिंह को आजमगढ़ में मंगलवार को जनसभा की अनुमति नहीं मिली। पार्टी का दावा है कि अनुमति होने के बावजूद कार्यक्रम पर रोक लगाई गई, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि पुलिस की अनुकूल रिपोर्ट न होने से अनुमति नहीं दी गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दोपहर में महाराजगंज थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में जनसभा होनी थी। आपके जिला अध्यक्ष राजेश यादव का कहना है कि कई दिन दौड़ाने के बाद प्रशासन ने अनुमति दी, लेकिन सोमवार देर रात अचानक टेंट लगा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। पुलिसकर्मियों का कहना है कि जनसभा के लिए अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का यह तानाशाही रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार की सुबह 10:30 बजे कमिश्नर के यहाँ अपनी गुहार लेकर पहुँचा। इस बारे में SDM सगड़ी गौरव कुमार ने बताया कि प्रशासन ने पुलिस रिपोर्ट न मिलने की वजह से अनुमति नहीं दी। उधर SP ग्रामीण सिद्धार्थ का कहना है कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, इसलिए टेंट हटाए गए हैं। वहीं दोपहर बाद परशुरामपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने पार्टी कार्यालय पर ही जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने खीरी लखीमपुर और गोरखपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रदेश में फरारों की सरकार चल रही है, मंत्री फरार, बेटा फरार, दरोगा फरार, SP फरार हो रहा है, सरकार की शह पर आम जनता पर अत्याचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मंत्री अभी भी अपने पद पर बना हुआ है। मंत्री के पद पर बने रहते न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आम आदमी पार्टी का सभी 403 विधानसभाओं में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का अभियान चल रहा है। इसी के क्रम में आजमगढ़ आया हुआ था, अम्बेडकर नगर में हमला कराया गया और आज यहाँ आने के बाद पता चला कि परमिशन ही कैंसिल कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ को मुझसे इतना डर क्यों लग रहा है? रैली करना, आंदोलन करना, जनसभाएं करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। यह देश मोदी और आदित्यनाथ योगी के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह ही उत्तर प्रदेश में लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद फ्री बिजली, फ्री इलाज, बेहतर कानून व्यवस्थाएं दी जाएगी। वहीं गोपालपुर विधानसभा से प्रत्याशी इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने कहा कि हम दिल्ली की तरह ही गोपालपुर के लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, फ्री बिजली देना चाहते हैं। यहां के गन्ना किसानों का भुगतान होगा। आम आदमी पार्टी जाति धर्म अगड़े पिछड़े की बात नहीं करती है, हम लोग बेहतर सुविधाओं और विकास की बात करते हैं। शुरू करें लखीमपुर कांड ने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंत्री की बेटे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी मंत्री अपने पद पर बना हुआ है। मंत्री अगर अपने पद पर रहेंगे तो न्याय नहीं हो सकता, उनको इस्तीफा देना चाहिए। नंबर एक, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 403 विधानसभाओं में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री इलाज, उत्तर प्रदेश की तरक्की, नौजवानों को रोजगार और फसल का दाम किसानों को, इन मुद्दों पर अपनी बात हर विधानसभा में पहुंचा रही है। अभी हमारा 300 यूनिट बिजली फ्री का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत आज आजमगढ़ आया था, मुझे पता चला प्रशासन ने यहाँ की अनुमति कैंसिल कर दी। आदित्यनाथ जी को मुझसे इतना डर क्यों लगता है मुझे नहीं मालूम। 17-17 मुकदमे लिख दिए, कल अम्बेडकर नगर में हमला कराया, आज आजमगढ़ का परमिशन कैंसिल कर दिया। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता। भारत का संविधान है,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान के मुताबिक ये मुल्क चलेगा, किसी आदित्यनाथ किसी नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। और हमारा संविधान हमको हक देता है रैली करने की, सभा करने की, आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की। तो मैं अपने साथी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा, अपना संदेश फ्री बिजली का, फ्री शिक्षा का, हम अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि आपने 75 साल में जातियों का वोट बैंक बनाया, धर्मों का वोट बैंक बनाया, इस बार के चुनाव में शिक्षा का वोट बैंक बनाइए, फ्री बिजली के नाम पर वोट बैंक बनाइए, फ्री इलाज के नाम पर वोट बैंक बनाइए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के नाम पर और किसान के फसल के दाम के नाम पर वोट बनाइए, हम तरक्की का, उन्नति का, विकास का वोट बैंक बनाएंगे। धन्यवाद। कुछ आपका है, लेकिन आप आजादी के 75 साल के बाद भी इस देश में गुलाम की तरह जीने के लिए मजबूर हो। किसी थाने में चले जाइए, लगेगा पाकिस्तान की धरती में आ गए। गलत तो नहीं कह रहा। तहसील में रिश्वत, थाने में रिश्वत, बेटे की नौकरी पाने जाओ उसके लिए रिश्वत, अस्पताल में इलाज कराने जाओ उसके लिए रिश्वत, राशन कार्ड बनवाने जाओ उसके लिए रिश्वत, घर में कोई मर जाए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाओ उसके लिए रिश्वत है कि नहीं है? भ्रष्टाचार है ना? केजरीवाल जी ने इस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होगा। दिल्ली में कैसी सरकार बनाई, 5 साल पहले हमारा बजट था 30,000 करोड़ रुपए, ईमानदारी से सरकार चलाई तो बजट हो गया 60,000 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 30,000 करोड़ रुपए जो नेताओं अधिकारियों की लूट में जाता था, वो पैसा केजरीवाल जी ने जनता के लिए इस्तेमाल किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके इस उंगली को दिया है, उंगली को जिस दिन इसकी ताकत पहचान जाओगे, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे अधिकारी आपके दरवाजे पर आकर आपका काम करेंगे, ये बात मेरी याद रखना। क्योंकि लोकतंत्र के असली मालिक आप हैं, आप जिसको चाहते हैं विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हैं मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री। पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर सुनील यादव जी, लालगंज से हमारे प्रत्याशी भाई शिव कुमार जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रविंद्र यादव जी, हमारे साथी इस विधानसभा के अध्यक्ष हरेंद्र जी, ब्लॉक अध्यक्ष गुट्टू जमाली जी और हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, आप सबका मैं आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, में आ रहा था तो मुझे सूचना दी गई कि परमिशन आपकी कैंसिल कर दी गई, तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये मुल्क किसी नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं चलेगा और ये मुल्क किसी आदित्यनाथ के फरमान से भी नहीं चलेगा। ये मुल्क चलेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के संविधान से चलेगा। और इस मुल्क का संविधान ये कहता है, हमको अपने हक में रैली करने की, सभा करने की, धरना करने की, प्रदर्शन करने की, आंदोलन करने की पूरी छूट होने चाहिए, इसलिए कभी किसी से परमिशन मत मांगना। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के बाद आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सुन ले, मेरा जो भी कार्यक्रम लगेगा सिर्फ प्रशासन को सूचना दीजिए और उसमें नीचे लिखिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। किसी प्रशासन से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात सुन लो, अगर मैं जिंदा रहा, बाबा ने रास्ते में गोली नहीं मरवा दी, तो जहां भी कार्यक्रम करोगे पहुंचूंगा, जिंदा पहुंचूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मैंने कल भी इनसे कहा था इनके परमिशन के चक्कर में मत पड़ो। वो काहे परमिशन देंगे आपको? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में संजय सिंह को परमिशन देंगे कार्यक्रम की? 17 मुकदमे मेरे ऊपर किए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया। अभी लखीमपुर के किसान से मिलने जा रहा था, 57 मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया। मैं कहना चाहता हूँ 17 मुकदमे लिखो, जनता की आवाज को उठा करो। अभी सुनील यादव जी इंजीनियर है, लेकिन मैं इनको कह दू 6,00,000 करोड़ लिख दो तो लिख नहीं पाए। 0,00,000 लगाते थक जाओगे। क्या बेच रहे हैं? रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, पोल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। चाय बेचते बेचते मोदी जी देश बेचने लगे, देश बेच रहे हैं। 6,00,000 करोड़ रुपए देश बेच रहे हैं। जो लोग देश की संपत्ति बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, जो देश की संपत्ति को बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं। और राजनीति के कपूतों से सावधान हो जाओ। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, ये राजेश यादव, ये बंसराज, ये शिव कुमार जी, ये सुनील यादव, ये जब गांव में प्रचार करने जाते हैं तो ये कहते हैं आपके लिए अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। भाजपा ही जब प्रचार में निकलता है, मोदी जी जब प्रचार में निकलते हैं, योगी जी जब प्रचार में निकलते हैं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता गांव गांव में घूम कर कहता है हम स्कूल नहीं बनवाएंगे, हम अस्पताल नहीं बनाएंगे, हम तो सिर्फ शमशान बनाएंगे आपको घूमने। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना, हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, तरक्की चाहिए, उद्योग चाहिए, हमें शमशान नहीं चाहिए। तो इस बार जब चुनाव में आए और कहें कि शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इनको खदेड़ देना, वापस कर देना, कह देना हमें